एक्सक्यूज मी, आप कौन? हाय, मुझे बात नहीं करनी है अभी आपसे। और बात क्यों नहीं करनी है आपको? मैं परेशान हूँ अभी, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, जाइए आप कहीं और चले जाइए। अच्छा, आप परेशान हो? मैं भी परेशान हूँ ना, तो परेशान परेशान मिल लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। और बात क्यों नहीं करनी है आपको? क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती ना, कुछ अपनी परेशानी बता सकती, मैं क्या क्या बोलूँ आपसे। मतलब हुआ क्या है, किस वजह से परेशान हो, और क्यों नहीं बता सकते हो आप, क्यों नहीं बता सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं नहीं बता। अच्छा, आप ज़्यादा परेशान हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो आप परेशान हो, लेकिन किस वजह से परेशान हो आपको? अच्छा, मेरे को बताने में आपको प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे नहीं बताना चाहते हो? मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन बात क्यों नहीं करना चाहते हो भाई? आप यहाँ पे हो, आप क्यों नहीं बात करना चाहते हो किसी से, वो बताओ, क्यों नहीं बात करना चाहते हो? बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अच्छा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन किस वजह से परेशान हो वो आप बताओगे तो नहीं, मतलब बता दो किस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, किस वजह से परेशान हो? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मेरी फ़ोटो एडिट कर करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, एडिटिंग कर करके उसने दो तीन आपकी फ़ोटो का, हाँ, और आपकी फ़ोटो को वो एडिट किया और आपको ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, उसने दो तीन लोगों को भेज भी दिया है। दो तीन लोगों को भेज दिया है, लेकिन किस वजह से, क्यों उसने आपका फ़ोटो एडिट किया है, किस वजह से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है आपसे, क्या दुश्मनी है उसकी? नहीं पता, बट अरे कुछ तो दुश्मनी होगी ना उसकी आपसे। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा फ्रेंड था, पर मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है। और तो अगर आपको पता है कि वो ऐसा कर रहा है, तो आपने उससे बात क्यों नहीं करी कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, बात क्यों नहीं करा आपने? मैं क्या बात करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बात तो करोगे ना, अगर कोई आपका फ़ोटो ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, आपकी फ़ोटो एडिट करके कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप बात तो करोगे ना कि आखिर क्यों ब्लैकमेल कर रहा है वो आपको, क्या वजह है इसके पीछे, वो क्यों आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपने क्यों नहीं पूछा उनसे? मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती ना, घर में बता सकती ना कहीं कुछ, मैं तो घर में क्यों नहीं बता सकते हो? घर में बताऊंगी तो घर पे डांट पड़ेगी। घर पे क्यों डांट पड़ेगी भाई, जो गलती आपने की नहीं, जो चीज़ें, या तो वो फोटो फिर आपकी रियल है, वो फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी है, बट वो मेरी, जो गलती मैंने की ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या, मैं समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तो आप घर पे क्यों नहीं बात कर रहे हो, घर वाले क्यों डांटेंगे आपको? घर वाले मेरे ऐसे नहीं है, नहीं समझेंगे वो। पुलिस में कंप्लेन करो। मैं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है सीधा। आपके घर में तो फोटो भी ब्लैकमेलिंग नहीं होता है, लेकिन अगर आपके घर में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको कंप्लेन भी करनी चाहिए फिर। अगर नहीं, मैं नहीं आ रहा है, मैं क्या, मैं कंप्लेन भी कैसे करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे बात भी नहीं करनी है। आप परेशान हो गए हो कि आपका वो जो दोस्त है वो आपकी फ़ोटो को एडिट करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और ब्लैकमेल करने के पीछे वजह क्या है, मतलब क्या हो सकता है, सोचो। अगर आपका एक दोस्त है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपने बताया कि आप जानते हो उसको, ठीक है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इसके पीछे क्या क्या चाहता है वो आपसे? आपको ब्लैकमेल करके ये चाहता है कि वो आपको परेशान कर दे, या फिर वो ये चाहता है कि आप उसको कुछ पैसे दो, या फिर वो और कुछ चाहता है आपसे, क्या चाहता है, या फिर वो ये चाहता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड बनो, मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं जिस वजह से लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं या फिर ब्लैकमेल करते हैं, वो क्या चाहता है आपसे, क्यों वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे बात करूँ, मैं क्या, समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरी फ़ोटो को मिसयूज़ कर रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों, मतलब ये सारी चीज़ें ना, लेकिन अगर प्रॉब्लम अगर वो बंदा कर रहा है तो आपको पहले उससे बात करना चाहिए ना, जब अगर आपको पता है तो। देखो वो तो नहीं बोलेगा कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट बात तो करना चाहिए उससे कि आखिर वो कर क्यों रहा है, उसको मिलेगा क्या वो चीज़ें करके, वो क्या चाहता है वो आपसे, क्यों आपको परेशान कर रहा है, क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? देखो मेरा सिंपल सा ये फंडा है, आप ऐसे अभी परेशान हो, थोड़ा और परेशान हो जाओगे, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, आप घर में किसी से बात नहीं कर रहे हो तो मेंटली भी परेशान हो गए आप, घर में नहीं बताओगे, ऐसे वो दो चार लोगों को भेजा है, सबको भेज देगा तो बहुत सारी बातें होगी,
मैं घर में भी नहीं बता सकती, मैं किसी से बता ही नहीं सकती, मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती, मैं क्या, मैं समझ में ही नहीं आ रहा मैं किसे बताऊँ, क्या करूँ मैं। तो यही बातें मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर में आप क्यों कंप्लेन नहीं कर सकते हो? कंप्लेन करोगे तो क्या होगा? कंप्लेन करूँगी, घर वालों को पता चलेगा, घर वाले मुझे डांटेंगे और ज़्यादा डांटेंगे, वो कुछ मतलब उन्हें कुछ सोचना समझने में, मेरी फैमिली ऐसी है ही नहीं जो समझेगी। अब मेरी एक बात बताओ कि चलो ठीक है आपने कंप्लेन नहीं किया तो आपके घर वालों को नहीं पता चलेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी जो वो दो लोगों को भेजा है, अगर पाँच छः लोगों को भेज दिया, अगर आपके घर वालों को भेजा तब क्या होगा? तब क्या करोगे आप? तब आपके पास क्या ऑप्शन रहोगे? मर जाओगे फिर आप? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, आप मुझे बताओ, आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि जैसे वो दो चार लोगों को भेजा है वैसे ही अगर वो आपके घर वालों को, मान लो कि आपके पापा को भेज दिया, उस दिन क्या करोगे आप? उस दिन बताओगे उनको कि नहीं बताओगे, कि घर ही नहीं जाओगे, क्या करोगे? बताना बहुत मुश्किल है, पर जो गलती मैंने की नहीं है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। तो यही चीज़ें तो मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे समझ में ही नहीं आ रहा ये भी। मैं यही चीज़ें आपको बता रही हूँ कि जो गलती आपने की ही नहीं है उस गलती की सजा क्यों भुगत रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या मिलेगा ऐसे? आप घर वालों से बात करोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, पुलिस में कंप्लेन करोगे तो जो ऐसा कर रहा है उसको सजा मिलेगा, और ऐसे रहने से तो कुछ नहीं होगा। पर प्रॉब्लम ये है, मैं घर में भी बात नहीं कर सकती किसी से। प्रॉब्लम ये है कि आप कंप्लेन नहीं कर सकती, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं किसी से ढंग से बात नहीं कर सकती। आप एक बार मेरी बात सुनो ना, आप इतना परेशान हो ना आप रो, क्योंकि आप अच्छी लड़की हो, आप एक पता नहीं मुझे छोटी भी लग रही हो कि आप मेरे से भी छोटे एज में भी जैसे भी हो, लेकिन आपको इतना घबराना नहीं है। आपकी वो फोटो है रियल में? बताना है कि आपकी वो फोटो है कि वो एडिट वाली है ही नहीं, वो मेरी है ही नहीं, वो फोटो आपकी नहीं, नहीं है। देखो अगर आप कंप्लेन करोगे ना तो फोटो से पता चल जाता है कि ये फोटो एडिटेड है या रियल है, तो देखो अगर तब पता चलेगा कि ये फोटो रियल है तो प्रॉब्लम हो सकता है। वो आपकी है ही नहीं, वो फोटो आपकी है ही नहीं। आपका जो वो दोस्त है, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता है कि वो क्यों कर रहा है आपके साथ, ऐसा क्यों कर रहा है वो आपके साथ? मुझे नहीं पता उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या वो मुझे क्यों परेशान कर रहा है। आपसे क्या दुश्मनी उसकी? वो बहुत अच्छा फ्रेंड था, बट उसने ऐसा किया पता नहीं किसी के कहने पर, क्या क्या प्रॉब्लम है उसे, मुझे ये भी नहीं पता वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। आपको नहीं पता है? नहीं पता मुझे। आप पुलिस में कंप्लेन करना चाहती हैं? करना चाहती हूँ, बट मैं कैसे करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम करो, आप पहले ना ऑनलाइन कंप्लेन करो, ठीक है, उसके बाद जो भी एक्शन होंगे उसके खिलाफ फिर आप जा कर के ऑनलाइन करना, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। साइबर सपोर्ट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ना जो भी आपकी फ़ोटो एडिट जो एडिट किया हुआ है, जो शेयर किया है, उसका अगर कोई लिंक है या फिर वो फ़ोटो है तो आप वो फ़ोटो अपलोड करो, साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है वो नोट डाउन करो, वहाँ पे आप उसको राइट करो, वहाँ पे टाइप करो और उसको सबमिट करो। देखो मैं एक वर्किंग गर्ल हूँ और मुझे इतना सब कुछ नहीं पता है, अगर आप कर सकते हो हेल्प तो आप कर दीजिए। लेकिन आप तो मेरे पे बात ही नहीं करना चाहते हो, मैं क्यों करूँ आपकी मदद? क्यों, मैं ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं अभी फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या ही करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं इसलिए बात ही नहीं कर पा रही हूँ किसी से, ना घर पे कर पा रही हूँ ना किसी से बाहर कर पा रही हूँ, तो फिर मैं करूँ तो करूँ क्या? आप परेशान मत हो, आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान मैंने ना आपके साथ एक छोटा सा, आप फिर से परेशान हो जाओगे, मैंने आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उस पेड़ के पीछे कैमरा है, उसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। बट आपने एक तो वैसे ही ये प्रॉब्लम, ऊपर से अब ये चार लोग देखेंगे इस वीडियो को, ये आप डालोगे सब देखेंगे, इससे भी प्रॉब्लम। तो देखने दो ना, अगर लोग देखेंगे तो। आपने वो गलती करी ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि कोई भी पेरेंट्स उनके बच्चों ने अगर वो गलती नहीं की है, अगर कोई उनको परेशान कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस वजह से डांटेंगे कि अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है फिर भी तुम्हारी कोई गलती है, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, और मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बेवजह, जिनकी उनकी कोई गलती ही नहीं है, उनकी वो फ़ोटो ही नहीं है, फिर भी लोग उसको एडिट कर करके उसको इतना परेशान कर देते हैं, मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चियां। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं इंडिया में बेवजह फेक वायरल करने के न्यूज़ के कारण कोई मर जाती है, कोई कुछ कर जाती है, ऐसे इन सब चीज़ों से उनको सुरक्षा लेना चाहिए। रिगार्डिंग वो कैसे कंप्लेन कर सकते हैं वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, और आपको क्या करना है,
आपका तो मैं खुद ही कर देती हूँ कि आपको साइबर सपोर्ट पे जा कर के वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है और वहाँ पे डिटेल में पूरा लिखना है। बाकी सारे और भी लोग हैं जिनको ये सीखना है कि वो कैसे कर सकते हैं खुद के लिए या फिर किसी और को मदद करने के लिए, तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल जो है वो ब्रीफ में सिखाई जाएगी कि आप कैसे कर सकते हो, आपका कौन कौन सा राइट है, आप कैसे एक्शन ले सकते हो, उस कंप्लेन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है और आपको वहाँ पे सिखाई भी जाएगी। आप बताओ आपका वो फ़ोटो है जो उसने एडिट किया है आपके पास है, वो आपके पास कैसे आया? मुझे भी सेंड किया था। अच्छा, पहले आपको सेंड ब्लैकमेल करने के लिए पहले आपको सेंड किया था, सेंड करने के बाद क्या बोला वो? उसने कुछ बोला ही नहीं, मतलब बस सेंड किया। हाँ। आपको तो वो थोड़े टाइम में बताएगा अभी कि वो किस लिए सेंड किया है या फिर उसको क्या चाहिए, दिखाओ मुझे एक बार, मैं आपकी वो कंप्लेन करती हूँ फिर।